A very warm welcome to all of you, my family. Welcome back to my channel. I am Shubhangi Dubey और मेरे चैनल में आपका स्वागत है. सो मैं जानती हूँ आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो इसलिए मुझे टाइम में नहीं मिला. सो आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो, जम के नया वीडियो लेके आई हूँ. कुछ दिनों पहले मैंने सोनम कपूर का एक लुक देखा था जो कि बहुत ही अच्छा था, तो मैंने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है. आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा. तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं. शुरुआत मैं यहाँ पे आईब्रोज से करूँगी. मैं अपने ब्रोज को फिल कर रही हूँ. तो एज़ यूजुअल, एज़ माय फेवरेट, मेरे शिवाना कलर्स से जो ब्रो पोमेड है मैं उससे फिल कर रही हूँ अपने आईब्रोज. और क्योंकि इस पिक्चर में जो सोनम कपूर है, सोनम कपूर के वैसे भी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डेंस हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं, तो उस तरीके से थोड़ा बहुत दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज को डेंस लुक दूंगी, थोड़ा सा ब्लैकी लुक दूंगी, जिससे उनकी तरह मैं लुक अचीव कर सकूँ. और अभी मैं अपने आईज़ को कंसील कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आई मेकअप करूँगी. आईज़ को अच्छे से कंसील करने के बाद मैं उसे बढ़िया से सेट करूँगी, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई क्रीजेज़ ना आए और मेरा आई मेकअप बढ़िया से हो जाए. तो अभी मैं एक ट्रांजिशन कलर ले ली हूँ अपने आईज़ के लिए. और ट्रांजिशन शेड के लिए मैं हुडा ब्यूटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ. इसमें का ये जो ब्राउन शेड है मैं उससे थोड़ा सा एक शेड दे दूँगी अपने आईज़ को, जिससे आई मेकअप डिफाइन लग सके. सो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दैट कलर मैं एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा डिफाइन और हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क वो कलर नहीं था और मैंने बहुत हल्का हल्का कलर डाला था. अब मैं किसी भी रैंडम पैलेट से, यहाँ पे तो मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव पैलेट यूज़ किया है, उसमें से मैंने ये ब्लैक शेड लिया है, ब्लैक आई शेडो. और इससे मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं एक आईलाइनर का लुक दे दूंगी सबसे पहले. और आईलाइनर बहुत ही आईलिड से नज़दीक में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. और अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको स्मज कर दूंगी. तो ब्रश की हेल्प से मैं स्मोकी लुक देने की कोशिश कर रही हूँ. और ज़रा सा मेहनत लगता है गाइस, तो बी पेशेंट विद दिस. थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट थोड़ा थोड़ा आप ब्राउन कलर लेकर के, थोड़ा थोड़ा आप ट्रांजिशन शेड लेकर के उसको स्मज कर सकते हैं. तो जब ये ब्लैक और ये ब्राउन शेड दोनों एक दूसरे में मिक्स होने लगेंगे तो वो अपने आप आपका स्मोकी लुक क्रिएट होने लगेगा. तो अभी क्योंकि सोनम कपूर की आईज़ में एक ब्राउनिश टिंट के साथ में ब्लैक स्मोकीनेस था, तो इसलिए मैं अपना आईलिड्स के एकदम नज़दीक में मैं ब्लैकीनेस दे रही हूँ एंड देन आफ्टर ब्राउन, जिससे दोनों तरफ डिफाइन रहे बट फिर भी स्मोकी रहे आईज़. तो यहाँ पे मेरा हाफ आई मेकअप तो हो चुका है लेकिन अभी भी बाकी है. लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना बेस मेकअप. बेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबिलिन का फाउंडेशन, मेबिलिन का फिट मी फाउंडेशन. और उसे मैं एक थोड़ा सा
फुल कवरेज फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो सोनम कपूर का लुक है उसको थोड़ा सा जो शार्पनेस देनी है अपने फेस में, तो इसलिए मैं ज़रा जो मेरा फाउंडेशन है उसे मैं हाई कवरेज फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो अभी पूरा मैं अपने फेस पे फाउंडेशन लगाने के बाद उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स HD कंसीलर और अपने मैं अंडर आईज को अच्छे से कंसील कर लूँगी क्योंकि सोनम कपूर है भाई, आप लोग सब लोग जानते हैं वो फैशन आइकन है, तो मुझे जब उसका लुक रिक्रिएट करना है तो उनकी तरह अच्छे से बन के दिखाना भी पड़ेगा। अब मैं अपने फेस को पूरे फेस को अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी जिससे बढ़िया से सेट होने के बाद कहीं भी किसी भी तरह का क्रीज ना हो पाए क्योंकि मुझे फिनिश लुक अच्छे से चाहिए। अंडर आईज को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो क्योंकि क्रीजेज वहीं पे सबसे ज़्यादा होती हैं। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे एले गर्ल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया है। सोनम कपूर के इस पिक में बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं था तो मैंने ब्लश यूज़ नहीं किया है, ब्लशी चीक्स नहीं थे उनके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हाइलाइटर यूज़ किया है। आफ्टर हाइलाइटर मैं थोड़ा सा अपने नोज़ को और मैं अपनी डबल चिन को छिपाने के लिए फिर से कॉन्टोर कर रही हूँ और एक शेड देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे मेरी डबल चिन छुप जाए। और आफ्टर दैट मैं लोअर लैश लाइन को अपने डार्क कर रही हूँ जिससे मेरी आई मेकअप कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ में मैं आईलाइनर तो नहीं यूज़ करूँगी, डायरेक्ट मस्कारा यूज़ करूँगी क्योंकि हम लोग स्मोकीनेस दे रहे हैं। आप चाहें तो आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं बट इस लुक में सोनम कपूर ने आईलाइनर यूज़ नहीं किया था एंड आई एम सो सॉरी गाइस, ये बीच बीच में डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा बहुत चलता है। तो ये मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का मस्कारा और क्योंकि मैं लोअर क्योंकि मैं लैशेस फेक लैशेस नहीं लगाऊंगी इसलिए थोड़ा सा उसे डेंस लुक देने के लिए मैं 3-4 बार 5 बार 6 बार अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा जिससे बढ़िया से मेरी लैशेस लंबी बड़ी और घनी दिखाई देने लगे। अभी मैं अपने लोअर लैशेस को भी थोड़ा सा कर्लिश और मस्कारा लगा दूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 लिपस्टिक जो कि शेड है ब्लश वेलवेट और क्योंकि उनका न्यूड लिप्स थे तो इसलिए मैं इसे अप्लाई करने के बाद अपने मिस क्लेयर के लिपस्टिक से उसको न्यूडिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मैट और न्यूड भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये लिपस्टिक के शेड दोनों मिक्स होकर के अच्छा लग रहा था। और सेट करने के लिए अपने मेकअप को मैं यहाँ पे प्लम का मिस्ट यूज़ कर रही हूँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, एक्चुअली रिफ्रेश कर देता है आपके चेहरे को। और उसे मैं सेट करने के लिए जो एक्सेस पाउडरी है एक्सेसनेस है जो अगर ज़्यादा हाइलाइटर होगा ज़्यादा कॉन्टोर होगा ज़्यादा सेटिंग पाउडर होगा तो वो सब निकल जाएगा। और मैंने उसके साथ में ये ज्वेलरी वेयर की है, ये ज्वेलरी मिंट्रा की तरफ से थी आई थिंक सो, और मैं इसका आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको ये ज्वेलरी मंगवानी हो तो प्लीज़ मंगवा लीजिएगा। मांग टीका नहीं था इसके साथ, इसके साथ सिर्फ इयररिंग्स थे बट इयररिंग्स को मैंने एज ए मांग टीका यूज़ किया है, उसे मैंने रिक्रिएट कर दिया था तो उसे मैंने मांग टीका के लिए यूज़ किया है। और ये है मेरा फाइनल लुक। सो ये सोनम कपूर का लुक मैंने रिक्रिएट जो किया है, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो सो प्लीज़ एक बड़ा थम्सअप दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।